कोरोना वायरस संक्रमण काल के समय सबसे बेहतर काम करने वाले लैब टेक्नीशियन अपनी मांगों को लेकर पिछले 20 दिनों से जिला अस्पताल के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है, हमारी 13 सूत्री मांगे हैं, सरकार इन मांगों को सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और इनको पूरा करे। हमारी टीम ने लैब टेक्नीशियन से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी पिछले 20 दिन से लैब टेक्नीशियन अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना, हमारी छोटी छोटी मांगे, सरकार इन मांगों पर ध्यान दे, इन्हें पूरा करे। लैब टेक्नीशियन चाहते हैं पद नाम बदलकर मेडिकल लैब ऑफिसर कर दिया जाए, ग्रेड पे बढ़ा दिया जाए, संविदा लैब टेक्नीशियन का नियमितीकरण हो, प्रमोशन चैनल को स्थापित किया जाए, नियमित पदों की संख्या पर तत्काल भर्ती की जाए, आउटसोर्स या अस्थायी रूप से कर्मचारियों की भर्ती ना हो बल्कि नियमित रूप से भर्ती होनी चाहिए। कोरोना वायरस संक्रमण काल के बाद हमने जिस तरीके से काम किया है, सरकार उसको ध्यान में रखते हुए हमारी मांगों पर ध्यानपूर्वक विचार करे। हमारी टीम ने धरना स्थल में जाकर लैब टेक्नीशियन से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। मैं आपको आपके स्क्रीन पर एक बैनर दिखाना चाहूंगा, समस्त मेडिकल लैब टेक्निकल एसोसिएशन हेल्थ सर्विसेज का ये बैनर है। ये लोग जिला अस्पताल, आप अपने स्क्रीन पर एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये रीवा की जिला अस्पताल है। इसके ठीक बाहर ये लोग पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार बैठे, इनकी छोटी छोटी मांगे हैं, लैब टेक्नीशियन के लिए प्रमोशनल चैनल, संविदा लैब टेक्नीशियन का नियमितीकरण, पद नाम मेडिकल लैब ऑफिसर, मेडिकल लैब टेक्निकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन का ग्रेड पे 4200 किया जाए। आज बात इसको लेकर तमाम तरीके की ये मांगे हैं। क्या है मांगे आपकी प्रमुख, छोड़ दीजिए इसको, हमारे प्रमुख मांगे हैं, हमारा नाम परिवर्तन किया जाए, मेडिकल लैब ऑफिसर या कि मेडिकल लैब ऑफिसर किया जाए, हम लोग का ग्रेड पे बढ़ाया जाए जो कि कुछ भी संकटपूर्ण है वो सही किया जाए, हमारे जो संविदा साथी हैं उनका लैब टेक्नीशियन उनका नियमितीकरण किया जाए। इस तरह की हमारे 13 सूत्री मांगे हैं जी, 13 सूत्री मांगे हैं। हम चाहते हैं हमारी मांगों को सरकार ध्यान से सुने, छोटी छोटी मांगे, ऐसी कोई बड़ी मांगे नहीं, इनको पूरा नहीं किया जा सकता। बताइए, गवर्नमेंट से हम लोग को प्रमोशन चैनल बंद है पूरी तरह से और कोई भी उसमें पद नाम नहीं दिया गया है, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि प्रमोशन चैनल जल्द से जल्द लागू किया जाए, प्रमोशन चैनल लागू कर दिया जाए, पद नाम दे दिए जाए। हमारी ये ऐसी मांग है जो सरकार आसानी से पूरा कर सकती है, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप लोग काफी दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी सरकार सुन नहीं रही है, अब आगे भविष्य में किस तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे? अब हम लोग कोशिश में लगे हैं किसी प्रकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें, हम लोगों की बातें उनके कानों तक जाए, जिसका माध्यम हम लोगों ने भोपाल के ACS साहब को आवेदित किया है और उन्होंने समय भी दिया था मिलने के लिए, परंतु वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। डिटेल में उन्होंने दिया हुआ है, टाइम दिया था कि आप लोग आइए अपनी बातें रखें। आप यहाँ कितने दिन से बैठे हैं? हम लोग दिनांक 13 तारीख से जो है यहाँ निरंतर जो है बैठे हुए, 13 तारीख से ये लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका सीधा सा मतलब है लगभग 20 दिन इन लोग को बैठे हुआ, क्रमिक अनशन चल रहा है। क्रमिक अनशन के दौरान इन लोगों की जो भी आज हमारी बात हुई, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी मांग थी इनका पदनाम मेडिकल ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन का वेतन मान निर्धारित किया जाए। हमारी नजर इनके इस मुहिम पर, इनके इस अनशन पर लगातार बनी रहेगी। जी बताइए, कुछ और कह रहे थे आप? हाँ, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस विश्व में जो है वैश्विक बीमारी जैसे खतरनाक, कोविड जैसे खतरनाक, हम लोग पॉजिटिव केसों को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये आपसे कोई छिपी बात नहीं बता रहे हैं आप, पूरी दुनिया जानती है कोविड काल के दौरान जब हम और आप अपने घर में आराम से सो रहे थे, तो ये लोग लगातार
फील्ड में थे, लोगों के सैंपल इकट्ठा कर रहे थे, जब लोग एक दूसरे से नहीं मिल रहे थे उस दौरान भी इन्होंने जो काम किया था उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। सरकार को उसी कोरोना काल को याद करते हुए इनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।